नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की रेनो क्विड क्लाइंबर के न्यू कलर के बारे में, जो कि है 10 ईयर एनिवर्सरी एडिशन। तो यहाँ पर अब आपको जो क्विड है, इसमें अब आपको डुअल टोन कलर नज़र आने वाला है। वाइट एंड पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि इसमें भी देखा जाए तो कुछ है डुअल टोन में, मतलब कुछ आए कलर, तो अब जाकर यहाँ पर 10 ईयर एनिवर्सरी एडिशन में अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें देखा जाए तो ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों आ जाता है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल की प्राइस रहने वाली है 6,44,000 रुपीज़, और इसकी जो ऑटोमेटिक आती है वो करीब 6,89,000 रुपीज़ की ऑन रोड रायपुर की प्राइस में रहने वाली है। आपकी सिटी और मेरी सिटी में प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो प्राइस को लेकर चिंतित बिल्कुल भी ना हो। प्राइस आप अपने नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इंजन ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो दो इंजन आ जाते हैं, जिसमें 800 सीसी आता है और एक 1 लीटर इंजन आता है। तो अभी हमारे पास है इसका 1 लीटर इंजन। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें मिलता है 1 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल मोटर। पावर की यहाँ पर बात की जाए तो 68 PS की पावर मिल जाएगी, एंड टॉर्क की बात करें तो 91 Nm का टॉर्क इसमें मिल जाता है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AMT दोनों का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है इस कार में। अब इसके अगर माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो आप करीब 20 km/h तक की माइलेज की उम्मीद आप कर सकते हो, मतलब AMT से, और मैनुअल जो रहेगा वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देगा, करीब 22 km/h तक की माइलेज आपको इसमें मिल जाती है। अब यहाँ पर इसके कलर ऑप्शन की बात की जाए तो अब देखा जाए तो एक कलर इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। पहले 6 कलर का ऑप्शन आता था, अब यहाँ पर डुअल टोन कलर भी आपको मिल जाता है, यानी कि कुल मिला के 7 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको कौन सा कलर पसंद आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल वॉक अराउंड। हालांकि देखा जाए तो बहुत टाइम हो चुका था कि कार वगैरह का रिव्यू नहीं आ रहा था, आज आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर LED DRL आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की जलती हुई नज़र आ जाती है, और यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको नज़र आ जाएगा, जो कि आपको बल्ब टाइप में नज़र आएगा। यहाँ पर हेडलैम्प आप देख सकते हैं, ये आपको बम्पर के ऊपर में नज़र आने वाला है, ना कि ऊपर में, ये मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप में आने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्लैडिंग नज़र आ जाती है, ऑरेंज जो स्ट्रिप है कि कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। नंबर प्लेट की स्पेस, SUV स्किड प्लेट जो है वो आपको इसके फ्रंट बम्पर में नज़र आ जाती है, जो कि जो कार की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और इन्हेंस कर देती है। रेनॉल्ट का लोगो कुछ इस तरीके का, और ग्रिल ऐसी रहने वाली है। फ्रंट का लुक आपको दिखाते हैं, तो फ्रंट से ये कार कुछ ऐसी दिखती है। अब देखा जाए तो जब डुअल टोन आ चुका है, तो डुअल टोन की वजह से अब जो कलर ऑप्शन है, मतलब जो इसका कलर है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसके चारों व्हील्स पर अगर आप देखोगे तो व्हील जो आर्चेज हैं आपको चारों व्हील्स पर इस पर नज़र आ जाते। साइड फेंडर पर इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस्ड है। अब मतलब इसके अपडेट के बारे में अगर बात की जाए तो पहला अपडेट तो इसका मतलब डुअल टोन कलर है। दूसरा जो अपडेट है, अब इसमें आपको जो ORVM है ये अब आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलने वाला है। तीसरा अपडेट भी आपको दिखा देते हैं। तो तीसरा जो अपडेट है, यहाँ पर जो इनर रियर व्यू मिरर है, ये अब देखा जाए तो मतलब जो मैनुअल आप एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, मतलब नाइट वगैरह के हिसाब से, तो इसमें एडजस्टेबल इनर रियर व्यू मिरर मिल जाता है। और देखा जाए तो एक और अपडेट हुआ है कि अब इसमें जो प्री टेंशनर जो आते हैं ड्राइवर साइड में, वो कुछ पायरो के साथ में आते हैं, पायरो प्री टेंशनर के साथ में ये आती है। तो ये जो अपडेट है इस कार में किए गए हैं। बाकी कार आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी रहने वाली है। अब ये जो रूफ़ है देख सकते हैं, ये पियानो ब्लैक में आती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। देख सकते हो रूफ़ रेल भी यहाँ पर मिल जाते कुछ इस तरीके से, इस पर लिखा हुआ है, देख लो शार्प शब्दों में दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट अप्लाई लोड, यानी कि आपको इस पर लोड अप्लाई नहीं करना है, ये फंक्शनल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑरेंज ट्रीटमेंट नज़र आ जाता है। एंटीना काफ़ी बड़ी मिल जाती है, देख सकते हो काफ़ी बड़ी एंटीना इसमें मिल जाती है। रूफ़ देखा जाए तो पियानो ब्लैक में आता है, तो किसी भी कार में अगर आप रूफ़ पियानो ब्लैक में देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। बी पिलर यहाँ पर मैट ब्लैक में नज़र आ जाता है, ये इसका आउटर डोर हैंडल, और यहाँ पर
जो मिरर्स हैं देख सकते हो यहाँ पर भी ऑरेंज ट्रीटमेंट नज़र आ जाता है। देखा जाए तो अब ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गए, फोल्डेबल वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी क्लैडिंग नज़र आती है, ये देख सकते हो ये स्टिकर वगैरह नहीं है, ये ओरिजिनल प्लास्टिक की क्लैडिंग है, जिससे ये क्या होता है कि मतलब गाड़ी अगर आप दरवाज़ा वगैरह खोलते हो तो कोई भाई साहब आ रहे हैं अपनी धुन में तो यहाँ से रगड़ाते हुए जाएंगे तो यहाँ क्या स्क्रैच वगैरह लगता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके टायर्स की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 160/70 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 14 इंच के स्टील व्हील में। देखा जाए तो ये स्टील व्हील है, देख सकती हो ये जो चीज़ है ये मतलब ना रेनॉल्ट वालों ने ऐसा बनाया ना कि ये देखने में मतलब एक बार ना ऐसा लगेगा कि आपको ये एलॉय व्हील है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टील व्हील है, ये देख सकते हो ये स्टील व्हील में नज़र आने वाला है। फ्रंट में यहाँ पर देखोगे तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, रियर में आ जाते हैं इसमें ड्रम ब्रेक। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि डिसेंट है कार के हिसाब से। यहाँ पर क्लाइंबर की बैजिंग कुछ इस तरीके की मिल जाती है, रियर प्रोफाइल देख सकते हो। देखा जाए तो इस कार में मतलब डुअल टोन कलर बस आया हुआ है, बाकी गाड़ी पहले की तरह सेम है, कुछ भी अपडेट नहीं है। यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देख सकते हैं, कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर रियर कैमरा रेनॉल्ट का लोगो के बीच में आपको नज़र आएगा, क्विड की बैजिंग, और इसका जो टेल लैंप है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर रेनॉल्ट की बैजिंग, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस, रियर बम्पर में भी अगर आप देखोगे तो एसयूवी स्किड प्लेट जो है वो आपको नज़र आ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो कार की काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा वगैरह ऑफ रोडिंग, हालांकि देखा जाए तो ये कार ऑफ रोडिंग के तो लिए नहीं बनी हुई है, कैपेबल नहीं है, लेकिन चलता है, थोड़ी ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो। इसमें रियर में 3 पार्किंग सेंसर भी नज़र आ जाते हैं। अब इसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS प्लस EVD, रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा मिल जाता है, ओवर स्पीड अलर्ट, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी इसमें मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैसे फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। बाकी ये कार आप साइड मतलब जो साइड से आप देख सकते हो इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है। अब जो इंटीरियर पार्ट है वो दिखाते हैं। इंटीरियर पार्ट से पहले मैं आपको इसका जो बूट है वो ओपन करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ मैं दिखाना भूल गया था। तो बूट स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी इसमें मिल जाती है, इसमें पार्शल ट्रे कुछ इस तरीके की मिल जाती है, काफ़ी बड़ी पार्शल ट्रे है और बूट स्पेस भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस इसमें मिल जाती है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, ये भी देखा जाए तो स्टील व्हील में नज़र आने वाला है, स्पैनर वगैरह भी सब यहीं पर रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। एंड यहाँ पर इमरजेंसी ट्रायंगल रेड रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये क्या है ट्रिगर वगैरह। बाकी जो बूट स्पेस है देखा जाए तो डीप तो नहीं है, जिससे क्या होता है कि डीप अगर रहता है तो उस टाइम में क्या सामान निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये डीप नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा है, बूट स्पेस नो डाउट काफ़ी अच्छी है। अब जो इंटीरियर सेक्शन है उसमें चलते हैं। जो फ्रंट डोर का नज़ारा है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पर डोर पर भी देखोगे तो ऑरेंज ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट है वो नज़र आता है, ये डोर अनलॉक नॉब यहाँ पर नज़र मिल जाता है और ये जो इनर डोर हैंडल है देखा जाए तो ये क्रोम फिनिश के साथ में आता है, छुटकू सा आर्मरेस्ट मिल जाता है ग्रैब हैंडल के साथ में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, आप यहाँ पर चाहें तो 1 लीटर की बॉटल भी रख सकते हो। इसकी जो चाबी है वो दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसी की रहने वाली है इस कार की, देख सकते हैं कुछ ऐसी की रहने वाली है, इसमें 2 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक का। सीट की यहाँ पर बात की जाए तो कुछ ऐसी सीट रहने वाली है इस कार की, देखा जाए तो इसमें भी जो मतलब सीट कवर है ये आपको डुअल टोन में नज़र आएगा, ये देखा जाए तो फैब्रिक सीट अपोस्ट्री है, इसमें अगर आप चाहो तो डीलरशिप से इसमें मतलब आप जो लेदर सीट कवर आते हैं वो लगवा सकते हो, आप आफ्टर मार्केट भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ से इसका जो बूट है वो ओपन कर सकते हो, फ्यूल कैप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और ये शायद इसका बोनट ओपन करने का लीवर है वो ओपन हो गया। अब जो नया अपडेट है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले कार्ड वगैरह रखने की कुछ जगह आती थी, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है इसका जो ORVM एडजस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होगा ये, यहाँ से आप इसको कर पाओगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्कुलर AC वेंट क्रोम की सराउंडिंग के साथ में आ जाता है। अब अंदर आ जाते हैं अपन प्रॉपर,
स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट स्टेयरिंग व्हील मिल जाती है। ये देखा जाए तो एडजस्ट होती है कि नहीं, इसमें एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील तो नहीं मिलती है। यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो नज़र आ जाएगा, हॉर्न मिल जाता है, मतलब देखा जाए तो हॉर्न तो देंगी तो साउंड वगैरह आप देख सकते हो। राइट साइड में मिल जाता है इंडिकेटर के सारे कंट्रोल्स, हेडलैम्प के सारे जो कंट्रोल्स है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाते हैं इसमें वाइपर के कंट्रोल्स। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की यहाँ पर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें मिल जाता है पूरा सेटअप डिजिटल में, देख सकते हो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। ये आपको बताएगा इसका आरपीएम गेज, यहाँ पर आ जाता है इसका जो कूलेंट टेम्परेचर वो बताएगा, और यहाँ पर इसका फ्यूल मीटर देख सकते हैं ये ई लिखा हुआ है, और बीच में मिल जाती है एमआईडी डिस्प्ले जिसमें स्पीड मीटर शो हो रहा है। हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ ऐसा रहने वाला है। अब इसको आगे करते हैं तो यहाँ पर स्पीड मीटर बता रहा है, ये एवरेज बता रहा है, और यहाँ पर ये ओडोमीटर की मेन रीडिंग है, ये शायद ओडोमीटर की मेन रीडिंग, और ये आगे की ये ट्रिप बी, और ये मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, और ये जो है ये बता रहा है ट्रिप ए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है, और साइड्स में यहाँ पर देखेंगे तो ढेर सारी वार्निंग लाइट्स भी नज़र आ जाते हैं। जो फ्रंट का जो व्यू है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा व्यू मिल जाता है इसमें। 20.32 सेंटीमीटर का इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले में मिल जाती है। टच रिस्पांस वगैरह की यहाँ पर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा टच रिस्पांस मिल जाता है। ये देखा जाए तो कंपनी फिटेड है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, देख सकते हो ये यहाँ पर इसके जो सेंटर एसी कंसोल ये कुछ ऐसे रहने वाले। अब ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ, FM, AM, रेडियो, ऑक्स, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करने वाला है। टच रिस्पांस जैसा कि मैंने कहा काफ़ी अच्छा मिल जाता है, देख सकते हैं। अब मीडिया में देखोगे तो ये नाउ यू कैन लिसन ऐसा करके आ रहा है। सेटिंग्स ये मतलब आप यहाँ से देख सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग, कनेक्टिविटी, वाई स्मार्टफोन डिवाइस लिस्ट, वाई ब्लूटूथ, सर्च फॉर ब्लूटूथ डिवाइस, एक्सटर्नल ऑथराइजेशन सिस्टम, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। इसका जो रिवर्स है मतलब इसमें देखा जाए तो रिवर्स में मतलब कैमरा मिल जाता है, तो उसको भी अपन करके देखते हैं। ओके, मैंने गलत किया था, तो देख सकते हैं। तो कैमरे की जो क्वालिटी है ना वो भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और यहाँ पर देखोगे तो क्विड की बैजिंग SRP एयरबैग यहाँ पर नज़र आ जाता है। ग्लव बॉक्स भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी मतलब काफ़ी बड़ी ग्लव बॉक्स है यार, देख सकते हो काफ़ी बड़ी ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाती है। अगर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसकी OBD स्कैन स्लॉट है, देख सकते हो यहाँ पर OBD स्कैन स्लॉट इसके ग्लव बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत सारे भाई जो होते हैं मतलब ढूंढते रहते हैं मतलब कि कहाँ पे, तो OBD स्कैन स्लॉट यहाँ पर है, और इसके अंदर स्पेस देखोगे ना यार काफ़ी अच्छी है, दिल खुश हो गया, मज़े ही आ गया। इसमें देखा जाए तो जो AC है ये मैनुअल मिलने वाली है, कंट्रोल्स आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है, और यहाँ पर मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, यानी कि 12 इंच का चार्जिंग सॉकेट, USB और ऑक्स का यहाँ पर जो जुगाड़ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर भी स्पेस है, और ये है इसका 5-स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो ऑरेंज जो ट्रीटमेंट है नज़र आ जाती है, ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक क्रोम की टच के साथ में आ जाता है, और यहाँ पर ये है इसका रीडिंग लैम्प, यहाँ पर है माइक्रोफोन, ये इसका सनशेड कुछ ऐसा रहने वाला है, पैसेंजर साइड में ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, बाहर आ गए, चलो तो इसको अपन बंद करते हैं। अब इसके रियर पोर्शन में चलते हैं, जो रियर डोर का नज़ारा है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर भी लॉक अनलॉक नॉब, यहाँ पर जो इनर डोर हैंडल है ये भी आपको क्रोम टच के साथ में नज़र आ जाता है, पावर विंडो का बटन, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे तो इसके रियर डोर में कोई मैप पॉकेट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। रियर की सीट देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी मतलब स्पेस इसमें मिल जाती है, कुशनिंग वगैरह भी सीट की जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हालांकि मैं बाइक के मतलब रिव्यू में हमेशा कहते आ रहा था कि कंफर्ट एंड कुशनिंग को लेकर अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि
लॉन्ग राइड पर अगर आप इस कार को लेके जाते हो तो आपको कंफर्टेबल लगती है कि नहीं, सीट वगैरह कैसी लगती है, सस्पेंशन, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। बाकी सीट भी यहाँ पर देखोगे तो ये डुअल टोन में नज़र आएगा, फैब्रिक सीट अपहॉल्स्ट्री है, बीच में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता है। हेडरेस्ट भी यहाँ पर देखोगे तो ये भी देखा जाए तो मतलब एडजस्टेबल नहीं है, ये फिटेड है एकदम परफेक्टली। बाकी स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं सीट के पीछे में मैप पॉकेट नहीं है। बाकी स्पेशियस कैबिन है, दोनों साइड में ग्रैब हैंडल नज़र आ जाएंगे। बाकी ये कार आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कार को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कार की अगर आपको टेस्ट राइड ई एम आई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप महादेवा कार रायपुर में कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आई डीज़ यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज़ मिलते फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।